नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो का टारगेट थोड़ा डिफरेंट है। आज हम बात करेंगे डॉक्टर विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी जी के बारे में। आखिर क्या है विवाद? आपने देखा कि सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो यूट्यूब हो, ट्विटर हो, सभी जगह ये हैशटैग वायरल हो रहा है कि भैया डॉक्टर विवेक बिंद्रा वर्सेस संदीप माहेश्वरी जी। देखो, पर्सनली अगर मैं बात करूं ना, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद क्या है कि मैं इन दोनों के बारे में एक ऐसी बात बताऊंगा जो शायद इन्होंने भी मिस कर दी और इन्होंने भी मिस कर दी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि मैं लगभग पर्सनली बताऊं आपको, लगभग इनके 10 मिलियन से भी सब्सक्राइबर कम थे ना, तब से मैं इनको फॉलो करता आ रहा हूं, यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर मैंने इनको फॉलो किया है। और मैं लगभग एग्जैक्ट इनके बिहेवियर के बारे में तो नहीं बता सकता, क्योंकि बिना मिले किसी के बिहेवियर के बारे में अपन बता नहीं सकते हैं, बट फिर भी मैं काफी हद तक इनको डीप में समझ चुका हूं। और मैं बात करूं कि आज ये विवाद होने के बाद, जब दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है ना, और लोग किसी एक का पक्ष ले रहे हैं, किसी दूसरे का पक्ष ले रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसी बात भी बताने वाला हूं जो शायद इन दोनों मोटिवेशन स्पीकर्स ने मिस कर दी। उस बारे में कुछ भी नहीं बोला। लगभग जब से इनकी लड़ाई हुई ना, तब से जितने भी वीडियोस इनके वायरल हो रहे हैं, ये बना रहे हैं, संदीप माहेश्वरी जी की बात करें, विवेक बिंद्रा जी की बात करें, तो इन्होंने काफी वीडियो बनाई, इन्होंने काफी इंटरव्यूज लिए। तो मैंने सारे इंटरव्यूज देखे। अभी इन्होंने एक जस्ट इंटरव्यू लिया विवेक बिंद्रा जी ने, सागर सिन्हा नाम से यूट्यूब चैनल है, उनके ऊपर इन्होंने एक इंटरव्यू लिया और काफी खुल के बात करी। मैंने वो पूरा इंटरव्यू देखा, लगभग एक घंटे का वो इंटरव्यू है, मैंने पूरा देखा। और मैंने विवेक बिंद्रा जी की जो बॉडी लैंग्वेज है, मैंने उसको देखा उस वीडियो के अंतर्गत, और मैंने कंप्लीट एनालिसिस किया कि जिस मोटिवेशन स्पीकर की हम बात करते हैं, जिसका बॉडी लैंग्वेज ये रहता है बाउंस बैक, उसका कॉन्फिडेंस लेवल दिख गया था मेरे को उस वीडियो के अंतर्गत। अब आप इससे ये जज नहीं कर सकते हो कि ये गलत है। अगर अपन असली मुद्दे की बात करें, एग्जैक्ट पॉइंट की बात करें कि इनके बीच में विवाद किस चीज को लेकर है, वो है कि यहां पर जो संदीप माहेश्वरी जी ने ब्लेम किया है इनके ऊपर कि स्कैम कर रहे हैं, कि बिजनेस नहीं कर रहे, कि स्कैम कर रहे हैं, लोगों को पागल बना रहे हैं, लोगों ये अपना कोर्स बेच रहे हैं, लोगों को ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। देखिए, मैं एक अपना पॉइंट आउट देना चाहूंगा बीच में कि दोनों जो है ना, दोनों, संदीप माहेश्वरी जी की बात करूं और विवेक बिंद्रा जी की बात करूं, दोनों अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। लोग कह रहे हैं कि ऐसा कैसे, विवेक बिंद्रा जी गलत हैं, गलत हैं, गलत हैं, वो गलत ही है, उन्होंने ठहरा दिया गलत ही हैं वो। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मोस्टली 90% जो लोग हैं, जो वीडियोस देख रहे हैं संदीप माहेश्वरी जी की ना, वो केवल और केवल एक पक्ष को देख रहे हैं, बस एक पक्ष को देख रहे हैं। बहुत सारी ऑडियंस तो ऐसी भी है जो शायद इनको फॉलो भी नहीं करती है, लेकिन अब वो आके जुड़ गए हैं और हैशटैग लगा रहे हैं स्टॉप विवेक बिंद्रा जी। देखिए, जब मैंने इनका इंटरव्यू देखा, अभी जस्ट वायरल, मतलब पब्लिश किया है, बस एक दिन हुआ है शायद उसको, जस्ट मैंने उसको देखा ना, तो मैं इनके चेहरे पर साफ देख पा रहा था कि वो थोड़ी सी टेंशन इनके चेहरे पर झलक रही है। और उस इंटरव्यू को जब आप पूरा देखोगे ना, तो इन्होंने अपने बिजनेस मॉडल के बारे में आपको सब कुछ बताया, सब कुछ बताया। और इन्होंने ये भी बताया कि हमसे गलती हुई है। अगर आप उस इंटरव्यू को देखोगे ना, तो इन्होंने स्वीकार किया है कि संदीप माहेश्वरी जी ने जिस गलती के बारे में बात करी है ना, उस गलती को मैंने स्वीकारा है, वो गलती मेरे से हो गई। और जिस गलती को ये पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो गलती मैंने मार्च अप्रैल में डिटेक्ट कर ली और उसको मैंने हटा दिया है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि एक इतने बड़े मोटिवेशन स्पीकर की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है, माना है कि हमने गलती करी है। तो फिर लोग कहेंगे क्या संदीप माहेश्वरी जी गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है। आज देखो, बात करता हूं मैं, इन्होंने इस बिजनेस को स्कैम बोला है, तो वो विवेक बिंद्रा जी के ऊपर डायरेक्ट पॉइंट आउट कर दिया उन्होंने, फिर जो भी बात हुई आपको पता उसके बारे में। अगर मैं बात करूं, विवेक बिंद्रा जी को छोड़ दीजिए, क्या और ऐसे लोग बिजनेस नहीं कर रहे हैं क्या?
बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं भैया। आपने अगर नॉर्मली देखा होगा कि कई बार आपने टीवी में ऐड देखा होगा कि भैया ये एक सोने का लॉकेट है, इसको ले लीजिए, आपकी किस्मत चेंज हो जाएगी, 2 लाख रुपए का है, 3 लाख रुपए का है, किस्मत चेंज, धन की वर्षा होगी, ऐसा होगा वैसा होगा। वो क्या है, स्कैम ही तो है वो। अरे बहुत सारे ऐसे बिजनेस चल रहे हैं जो इनकी वीडियोस देखने के बाद लोग जागरूक हो रहे हैं उस चीज को लेकर, जो फंसे हुए थे उस चीज को बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, अब मैं एक बात बोलना चाह रहा हूं कि जो इन दोनों ने एक भी बात पॉइंट आउट नहीं करी ना, एक भी बात पॉइंट आउट नहीं करी, वो बात क्या है उसको ध्यान से सुनना। मैंने दोनों की लड़ाई को देखा बिल्कुल डीप से, मैंने एनालिसिस भी किया और मैंने कंक्लूजन निकाला है कि देखिए इन्होंने डायरेक्ट बोला कि इनका जो बिजनेस है स्कैम है, तो इन्होंने खुलकर बात करी सागर सिन्हा चैनल के ऊपर कि कंप्लीटली जो है हमारे बिजनेस का मॉडल ये है, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, सब कुछ एकदम ओपन माइंडेड है और हमको बहुत सारे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो भी हमें मिले हैं। तो मैं एक बात बोलूं, आप सुनना मेरी बात ध्यान से। देखिए अब यहां पर आप लोगों को ये लग रहा है और आपको यही पता है कि विवेक बिंद्रा जी मोटिवेट स्पीकर हैं और ये अपना एक कोर्स भी सेल करते हैं, प्रोडक्ट वगैरह भी सेल करते हैं, और जो विवाद का मुद्दा है वो यही है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, गरीब बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इनका कोर्स ले लिया इनका कोर्स, और कोर्स लेने के बाद में इनको रिफंड नहीं दिया जा रहा है, वो है मेन मुद्दा और वो स्कैम चल रहा है। मैं एक बात बोलूं आपको, घुमा फिरा कर नहीं बोलूंगा, मुद्दे की बात पे आता हूं। देखिए सबसे बड़ी कमी तो क्या है कि लोगों में समझ नहीं है। हकीकत बात बता रहा हूं, आज के इस युवा को अगर बात करें कोई भी भटका सकता है, इजिली भटका सकता है। इनके जितने भी लोग काम कर रहे हैं, अगर उन लोगों के कॉन्टेक्ट में अगर आज मैं आता हूं, उन्होंने मेरे को प्लान दिखाया, वो दिखाया, बहुत सारे बातें मेरे को बताई, सपने बड़े बड़े दिखा दिए मेरे को, तो होता क्या है कि एग्जैक्ट वो सपने सही भी हैं क्योंकि पूरा भी कर रहे हैं, लोग उनसे काम भी कर रहे हैं, बट दिक्कत क्या है कि हर जगह पर करना जरूरी है। आज अगर आप विवेक बिंद्रा जी के सेमिनार को ज्वाइन करते हो, कुछ भी करते हो, उन्होंने खुल के बात करी उसके ऊपर, उन्होंने कहा कि हमारे पास में सारी पॉलिसी जो बताई मैंने वो सब कुछ है, बट कुछ कंडीशंस भी है मेरे पास में, सुनना मेरी बात ध्यान से। उन्होंने कहा कि हमारे पास अगर कोई बच्चा आता है, कोई कोर्स वगैरह ज्वाइन भी करता है, तो हम कहते हैं कि अगर आप इससे पैसा नहीं कमाओगे 2 महीने में 3 महीने में तो हम आपको पैसा रिफंड कर देंगे, बट उसकी भी कुछ क्राइटेरिया है। भाई सोचिए, मान लीजिए आप किसी कोर्स को ज्वाइन करते हो, 2 पर्पज हैं आपके, या तो आप उस कोर्स को सीखना चाहते हो तो आप सीख लिए, उसमें विवेक बिंद्रा जी की कोई दिक्कत नहीं है, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो पैसा कमाए कि नहीं कमाए। दूसरा पॉइंट आउट ये है कि अगर आप मान लीजिए उस कोर्स को सीख कर पैसे कमाना चाह रहे हो तो आपको काम भी करना पड़ेगा, और मुझे यही बात मिस लगी संदीप माहेश्वरी जी के उससे मतलब इंटरव्यू के अंतर्गत जो वो बच्चों के साथ में कर रहे थे। देखो एक बात बताता हूं, अगर आप अभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, मान लो सबसे मेन मुद्दे की बात तो यही है जो दोनों ने नहीं करी। आज के प्रेजेंट टाइम में मैं गवर्नमेंट जॉब की बात करता हूं, बहुत सारे बड़े बड़े कोचिंग संस्थान, मैं एक का भी नाम नहीं लूंगा, आज वो आईएएस की तैयारी करवा रहे हैं, आज वो आरएएस की तैयारी करवा रहे हैं, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव लेवल एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं, एसएससी की तैयारी करवा रहे हैं, क्या वहां पर श्योरिटी है? बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बहुत बड़ी बात है। क्या वहां पर श्योरिटी है? क्या वहां पर लोगों को पागल नहीं बनाया जा रहा है? क्या बिल्कुल बनाया जा रहा है। आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि अगर मैं किसी आईएएस कोचिंग में अगर एडमिशन लूंगा तो मुझे कम से कम 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख रुपए का इंतजाम मुझे करना पड़ेगा, और ये कोई कंफर्म नहीं है। आपके आईएएस बनने के चांस हैं 100 में से 0.0% चांस हैं, क्योंकि लाखों लोग फॉर्म भरते हैं और हर साल आईएएस जो बनते हैं उनकी संख्या बहुत कम होती है आईएएसों की, तो उसमें कंप्लीट यूपीएससी के अंदर आईएएस आईपीएस आईएफएस सब होते हैं उसके अंदर, उसमें मुश्किल से 800 या 900 लोग जो है ना यूपीएससी में सिलेक्शन ले पाते हैं अपना, एसएससी में सिलेक्शन ले पाते हैं अपना, क्या वहां पर श्योरिटी है?
तो जिस बिजनेस की बात कर रहे थे संदीप महेश्वरी जी की, भाई धोखा है इस कोर्स को लेने के बाद में, क्या वैल्यू मिली, क्या ऐड हो गया, मैं उनकी सारी बातों को एक्सेप्ट करता हूं, सब कुछ उन्होंने सही कहा। बट मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि इनके कोर्स को लेने के बाद में अगर कोई बच्चा पढ़ता नहीं है, उसको अप्लाई नहीं करता है, वो आगे नहीं बढ़ेगा, तो कैसे वो सीख पाएगा, कैसे वो पैसे कमा पाएगा। मेरा पॉइंट ये है, मैं दोनों के साथ में खड़ा हूं, मैं इनके साथ में भी हूं, मैं इनके साथ में भी हूं, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। बट मेरा पॉइंट ये है कि आखिर अगर कोई बच्चा गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करता है, वहां पर कोचिंग में वो 1,00,000 रुपए फीस भर देता है, भरने के बाद में कोचिंग यही बात बोलेगा आपसे कि अगर आप मेहनत करोगे, पढ़ोगे, तो आपको जॉब मिलेगी, गारंटी के साथ मिलेगी। लेकिन बच्चा क्या करता है, कोचिंग में फीस जमा करा दी, ना तो वो रेगुलर क्लास अटेंड करता है, ना वो पढ़ाई करता है, कुछ भी नहीं करता है, तो क्या उसको रिजल्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। और अगर वो कोचिंग संस्थान के ऊपर ये कहता है कि आप मुझे अपना पैसा रिफंड कर दीजिए, क्योंकि मैं आपकी कोचिंग से पढ़कर आईएएस नहीं बन पाया, आईएएस नहीं बन पाया, आरएएस नहीं बन पाया, एसएससी में जॉब नहीं ले पाया, तो क्या वो पैसे वापस करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आपको पता इस बात का कि भाई मैंने कोचिंग ज्वाइन करी, मैं पढ़ नहीं पाया, मैं पढ़ा नहीं, तो मैं उस जॉब को नहीं ले पाया। तो सीधी सी बात है, इनके बिजनेस में भी सेम कहानी है। अगर इनके बिजनेस मॉडल को आप समझोगे, जो कि मैंने समझा लास्ट 5-7 दिन से जब मैं रिसर्च कर रहा हूं इनके ऊपर, दोनों के ऊपर, तो मैंने इनके बिजनेस मॉडल को थोड़ा बहुत समझा। मैं डीप में तो कैसे जा पाऊंगा, आपको पता है कि अपना वो फील्ड नहीं है, बट मैंने जहां तक समझ में आया, मैंने इसको बिल्कुल कंपेयर किया अपने गवर्नमेंट एग्जाम वाले एग्जाम्पल के साथ में, वही सेम कहानी है। मेहनत अगर आप नहीं करोगे ना, तो कुछ भी नहीं होगा। क्या होता है कि बेसिकली कई लोग हैं, आज अगर 100 लोग हैं, 100 में से 100 लोग जो हैं पैसा कमाना चाहते हैं, सीधी सी बात है। लेकिन गारंटी बात यह है कि आप किसी भी फील्ड में घुस जाइए, इनके फील्ड में, गवर्नमेंट जॉब के फील्ड में, प्राइवेट सेक्टर, कहीं पर भी आप चले जाइए, 100 में से 5 या 10 लोग ऐसे होते हैं जो परफेक्टली पैसा कमा पाते हैं और जॉब कर पाते हैं, क्योंकि टैलेंट उनके पास में, कुछ ऐसा टैलेंट है जिससे कि वो काम कर पा रहे हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पा रहे हैं। गवर्नमेंट जो में भी ऐसा ही सीन है, तैयारी करोगे तो नौकरी लगेगी आपकी, प्रॉपर तरीके से आप पढ़ो, आराम से जॉब आपकी लगेगी। तो वही तो कंडीशन है कि जो बच्चे इनके पास आए इनके पास, और जिन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कर पाए, ऐसा नहीं कर पाए, वैसा नहीं कर पाए, वैसा नहीं कर पाए, उसमें सच्चाई है, नो डाउट उसमें सच्चाई है। क्योंकि अगर सच्चाई नहीं होती ना, तो इतना बड़ा बवाल खड़ा कभी भी नहीं होता। ये तो मैं भी मानता हूं, आप भी इस बात को मानते हो। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है पता है, कि वो बच्चे जिन्होंने वो दावा किया है ना, उन्होंने कभी मेहनत करी नहीं। ईमानदारी की बात है, क्योंकि आज के प्रेजेंट टाइम में देखो, इन्होंने ये लूप होल निकाला और इन्होंने डायरेक्ट काउंटर सवाल कर दिया इनके ऊपर कि आपके कोर्स को लेने के बाद में क्या वैल्यू मिली, पैसा नहीं कमा पाया, कुछ भी। भाई श्योरिटी तो कहीं पर नहीं है, श्योरिटी कहीं पर नहीं है। आप अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पढ़ोगे नहीं तो एग्जाम में पास कैसे होगे भैया? और अगर देखो, इन्होंने दावा किया है, बिल्कुल दावा किया है, और जहां तक मैं इनकी बातों को सच भी मानता हूं, क्योंकि कहा इन्होंने, इनके नाम यार कई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है यार, इन्होंने बहुत मेहनत करी है अपने आप पे। अगर ये कोर्स बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो वो कमाएंगे, हक है उनका यार, इनका भी हक है, इनका भी हक बनता है। आप अगर एक अच्छे स्टूडेंट के तौर पर, एक अच्छे नागरिक के तौर पर अगर इस पॉइंट आउट करो, इस बात को देखो कि दोनों में एक्चुअली में डिफरेंस क्या है, और इस लड़ाई का एक कंक्लूजन निकालो। मैंने बहुत डीप में बात करी, देखा मैंने, और मैंने यही बात सोची कि एक्चुअली में यही बात हो रही है। गलती मैं मानता हूं कि विवेक बिंद्रा जी की है। मैंने उस पूरे इंटरव्यूज को देखकर मैंने पता लगा लिया इस बात को, कि जब इन्होंने पहली बार इंटरव्यू देखा, मैं इनकी बॉडी लैंग्वेज समझ गया था कि कुछ ना कुछ तो इन्होंने गलत किया है, जिसके बारे में इन्होंने पॉइंट आउट किया भी कि हमने वो गलती करी, वो लूप होल था हमारी, उसको उसका पूरे बिजनेस का एक लूप होल था, उसने या फिर उस लूप को हमने बंद कर दिया, उस लूप को हमने मार्च अप्रैल में ही बंद कर दिया भैया, उस लूप को हमने बंद कर दिया। लेकिन इन्होंने क्या है कि उस लूप का फायदा उठाया। अब आपको पता है कि कहीं ना कहीं बच्चों को दिक्कत आ रही होगी, प्रेशर बन रहा है, ऐसी बात नहीं है, तभी जाके इतना बड़ा जो मुद्दा है वो बन रहा है। तो दोनों अपनी जगह पे सही हैं। मैं मानता हूं कि इन्होंने अगर गलती करी तो उसको एक्सेप्ट इन्होंने किया है, और मेरा विचार तो यही है
आप भी अगर कमेंट सेक्शन में लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि मेरे हिसाब से इन दोनों को बैठकर बातचीत करनी चाहिए, ठीक है, और दोनों बैठकर बातचीत करें, हर एक मुद्दे के ऊपर बात करें और प्रॉपर तरीके से एक गाइडेंस करें, एक रास्ता दिखाएं, एक मतलब जो यूथ है ना अपना भारत का, इंडिया का, सबसे बड़ी कमी क्या है उसको पता है? सबसे बड़ी कमी उसके पास में यह है कि उसको नॉलेज कुछ भी नहीं है। जो सोशल मीडिया पर देखेगा ना उसी को वो अप्लाई कर देगा, उसी को वो अप्लाई कर देगा, क्योंकि जो फेसबुक यूनिवर्सिटी हो गई, इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, यहां से जो भी आता है उसको मान लेते हो आप। जिन्होंने संदीप महेश्वरी जी की वीडियो देखी होगी ना, वो तो कट्टर दुश्मन बन गए विवेक बिंद्रा जी के, कट्टर बन गए, कट्टर। लेकिन जिन्होंने इनकी वीडियो देखी होगी ना, इनकी वीडियो देखी होगी, तो वो इनके दुश्मन तो नहीं बने होंगे, क्योंकि इन्होंने कुछ किया ही नहीं है, हकीकत बात यह है। और बाकी आपको पता है कि अगर कोई डिस्ट्रीब्यूट होता है, कुछ लड़ाई वगैरह होती है, तो उसमें कहीं ना कहीं गलतियां होती हैं, गलतियों को सुधारा भी जा सकता है। तो एंड ऑफ द वीडियो मैं यही बोलना चाहूंगा कि थोड़ा बहुत क्या है कि इन दोनों को बातचीत आपस में करनी चाहिए, आपको क्या लगता है, और मुद्दा जो था एक्चुअली के अंदर वो वास्तव में जागरूक करने लायक था जो संदीप महेश्वरी जी ने किया अपने लेवल के ऊपर। इनको भी सुधार करने की आवश्यकता है, नो डाउट, कोई भी बोल सकता है जो एक्चुअली इनको समझता है, इनके बिजनेस को समझता है, वो बोल सकता है, और इन्होंने वो काम किया भी। गलती करना कोई बुरी बात थोड़ी है, बट गलती को सुधारना बहुत जरूरी है, जो इन्होंने किया और इन्होंने बताया। तो आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाना जरूरी था जहां तक मेरी समझ थी। अगर मुझसे कोई गलती वगैरह हो गई तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैंने बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे के ऊपर बात करी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, धन्यवाद।